हेलो एवरीवन, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको इस साल प्रिपेयर नहीं करने हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पहले चेक करें। अब मैं बात करती हूँ आज के वीडियो की। आज की वीडियो में क्या खास होने वाला है? आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको प्रिपेयर करने से आप 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करें, हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इस वीडियो की पार्ट वन सीरीज स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जैसे कि मैं आज बता चुकी हूँ कि ये वीडियो आपकी रिवाइज चैप्टर्स एंड टॉपिक पे बेस है। चैप्टर्स और उनके टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, राइट? तो मैं आपको वन बाय वन इसे डिक्टेट कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट? चैप्टर नंबर वन आपका रियल नंबर है। इस रियल नंबर में जो फर्स्ट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है वो है एससीएफ एंड एलसीएम। वो भी कौन से मेथड से? बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम से। इस थ्योरम की हेल्प से आपको एससीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने को क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका क्वेश्चन बन सकता है एससीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए और बी आपके दो नंबर गिवन हो सकते हैं क्वेश्चन में, एलसीएम गिवन हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन कह सकता है कि फाइंड आउट द एससीएफ। यानी कि इसमें चार वैल्यू आपको दे रखी है, चार में से आपको तीन वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, फोर्थ वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, राइट? तो एससीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन 101% आपका एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपका हर साल आता है एग्जाम में वो है प्रूव एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपका आ सकता है ए प्लस बी अंडर रूट करके, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट टू, राइट? ए और बी कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो आपको प्रूफ करना होगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये हर साल आप क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी आपको कोई भी रेशनल नंबर गिवन होगा, लाइक 2/11, 3/30, इस टाइप के कोई भी रेशनल नंबर आपको गिवन होंगे और क्वेश्चन कह रहा होगा कि फाइंड आउट टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसकी एक ट्रिक होती है जिसकी हेल्प से, डिनोमिनेटर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर पाते हैं इजीली कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो आप इसकी एक ट्रिक होती है, आप मुझे बताइएगा अगर आपको नहीं आता है, तो मैं इसकी जो ट्रिक होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। तो उसके लिए आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मुझे कि ये आपको सीखना है, राइट? तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन होते हैं। इस चैप्टर में मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ, आपको ओनली 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे पहले आप सिर्फ एनसीईआरटी पहले प्रिपेयर करना, राइट? एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली है तो आपके क्वेश्चन इजिली बोर्ड पे एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 2 पॉलीनोमियल्स। इस चैप्टर से आपको जो फर्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करना है वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलीनोमियल, राइट? आपके जो जीरोस होते हैं अल्फा प्लस अल्फा और बीटा, अगर पॉलीनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसके अल्फा बीटा होंगे, और क्यूबिक है तो अल्फा बीटा एंड गामा होंगे। ये आपके 3 जीरोस होंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल के, और क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होंगे अल्फा कॉमा बीटा। अब इनके बीच का रिलेशनशिप आपको जो आपका एक्सरसाइज फर्स्ट में ही है वो आपको प्रिपेयर करनी होगी। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रूफ करनी पड़ेगी, वेरीफाई करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। और अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल आपको गिवन होगा तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, राइट? तो इस टाइप के आपको रिलेशन आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ टॉपिक डिक्टेट कर रही हूँ, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएंगे। ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर लेना। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस हमें और डीपली आपको जानना है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर
लेकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मतलब है कि आपको जीरोस गिवन होंगे, जीरोस मींस अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी और क्वेश्चन कह रहा होगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सबको पता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होते हैं जहां पर अल्फा और बीटा गिवन होगा तो आपको पता है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। सिमिलरली क्यूबिक पॉलीनोमियल भी आपका आएगा और क्यूबिक पॉलीनोमियल अगर आपको समझना है तो आप मुझे जरूर बताएंगे, मैं क्यूबिक पॉलीनोमियल की भी जो सिंपल इक्वेशन होती है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। राइट, तो ये तीन टॉपिक हैं जो आपको चैप्टर नंबर टू से प्रिपेयर करने हैं, रिलेशनशिप वाला, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। राइट, ये तीन टॉपिक अगर आप चैप्टर नंबर टू से कंप्लीट कर लेंगे तो आप चैप्टर नंबर टू का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लीक करके नहीं आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन होते हैं। चैप्टर नंबर थ्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड। ये इन मेथड पे बेस आपके इक्वेशन आएंगी, उन इक्वेशन को आपको पर्टिकुलर मेथड अगर स्पेसिफाइड होगा आपको क्वेश्चन में तो उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक मेथड जो आपको कट हुआ है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो मेथड आप जरूर सीखें और उसे उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीखें क्योंकि वो 11th और 12th में आपके काम आएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी उनको सॉल्व करने के लिए। राइट, तो उसको लीव नहीं करें, आप उसको पढ़ें। बट एग्जाम टाइम पे आपके ये तीन मेथड आपके आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड रिड्यूसिंग मेथड। इनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, डायरेक्ट आपको इक्वेशन गिवन भी हो सकती है और वो इक्वेशन गिवन ना होकर आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में भी आ सकती है। तो दोनों के लिए रेडी रहें, एनसीईआरटी इनफ है आपको प्रिपेयर करने के लिए। एनसीईआरटी में सब कुछ है। आप सबसे पहले, मैं हर बार बोलती हूँ आपको कि सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 99% आपका एनसीईआरटी से आता है, तो अगर आपका एनसीईआरटी आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तो 99 से भी ज्यादा आप अच्छे से पेपर कर सकते हैं और 100% भी हो जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी 2 या 3 टाइम्स आपने बहुत अच्छे से उसको रिवाइज कर ली है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको पता है कि कैसे होता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपको मैं ये सारे मेथड 1 by 1 मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी। इनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। राइट, ये आपकी टू इक्वेशन डायरेक्ट गिवन होगी, उस पे क्वेश्चन गिवन होगा कि फाइंड द एक्स एंड वाई वैल्यू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। राइट, रिड्यूसिंग मेथड जो आपका होता है उसमें आपके इस टाइप की इक्वेशन बनी हुई होती है, 1 upon x + x 1 upon y, यहाँ पर नंबर भी गिवन हो सकते हैं, 4 = 6 = 0। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है, इस टाइप की एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो रिड्यूसिंग वाला मेथड जिसमें आपको 1 upon x and 1 upon y को आप लेट कर लेते हैं a एंड b, तब फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, a और b की जैसी वैल्यू निकल जाती है वो 1 upon x and 1 upon y में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे y और x की वैल्यू निकल आती है। ये रिड्यूसिंग मेथड पे भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो चैप्टर नंबर थ्री से आप पहले, ये तीन मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, आप एक बार अगर एनसीईआरटी बुक उठाएंगे, बहुत इजी मेथड है, आप इन्हें कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको प्रैक्टिस की नीड होगी तो उसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर अच्छे से प्रिपेयर करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करें, वो भी सिर्फ इस मेथड से, इन्हीं मेथडों से सॉल्व कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम, उनको लीव नहीं करें, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करके आप दूसरे मेथड से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अब जो फोर्थ टॉपिक है वो है टेबल। टेबल आपकी पेज नंबर 46 एनसीईआरटी के बुक में बनी हुई है, वो टेबल अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 1 और 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड होते हैं, a1 upon a2 रेशियो होते हैं, b1 upon b2 = c1 upon c2, कि वो
पैरेलल लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्या सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इस टाइप के वन वर्ड के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो इस टेबल से क्लियर हो जाएंगे अगर वो टेबल आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली। उस टेबल को ही कर लेना आप अच्छे से प्रिपेयर, वो पेज नंबर 46 पे है और आपके 1 or 2 marks के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। 1 or 2 marks के क्वेश्चन कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए, उससे आपके मार्क्स में इफेक्ट्स आते हैं। राइट, तो ये चैप्टर नंबर 3 से आपके 4 topic हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, वो एनसीईआरटी बुक से ही आप करें। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को 2 या 3 times जब आप कंप्लीट कर लें बहुत अच्छे से, तभी आप दूसरी बुक को उठाएं और उससे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 में आपको जो फर्स्ट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है वो है फाइंड द रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी आपको, आपको पता है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देती हूँ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन होगी और आपको उसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। राइट, वो स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म एक मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है श्री द्राचार्य फार्मूला, उस फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन स्पेसिफाइड करा गया है, सिंपली क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द रूट्स, या फिर आपका लिखा हुआ है फाइंड आउट द रूट्स विद द दिस मेथड। अगर वो कह रहा है कि फाइंड द रूट्स विद द द्राचार्य फार्मूला, द्राचार्य फार्मूला से आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि दोनों फार्मूले से आप प्रिपेयर रहें कि रूट्स फाइंड आउट करने को आ सकते हैं। राइट, अब इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, उस वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप कोई भी मेथड से आप जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं। यानी कि जब एक इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन भी आ सकती है, वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है। राइट, इक्वेशन आएगी तो वो 2 या 3 marks से ज्यादा नहीं आएगी, और वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी तो वो 3 marks के अंडर में ही आएगी। जो थर्ड टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 4 में आपको प्रिपेयर करना है वो है नेचर ऑफ रूट्स। रूट, नेचर ऑफ रूट्स आपको पता है d = b² - k4ac होता है। राइट, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी जहां से बी ए सी की वैल्यू निकालनी होगी और उसका नेचर ऑफ रूट्स आपको फाइंड आउट करना होगा, और आपको नेचर ऑफ रूट्स भी गिवन होगा, उसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जिसमें हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो आपका 1 or 2 marks का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जिसमें d = 0 होता है, d = <0 होता है, d = <0 होता है, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। तो आप इस नेचर ऑफ रूट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, एनसीईआरटी के बुक से ही आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपके 2 marks का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर पे मिलता है, ये आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है मैंने वो भी बता दिया, नेचर ऑफ रूट्स, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 4 के आपके 3 topic हैं जो आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, कंप्लीट हो जाएगा, तो यानी कि अब आपको इसमें से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव ऑन होते हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका एपी सीरीज पे डिपेंड है, इसमें आपके 3 topic आएंगे, तीनों टॉपिक आपके फार्मूला बेस है। जब फार्मूला बेस आपका टॉपिक होता है और चैप्टर होता है तो वो इजी चैप्टर बन जाता है, और जब इजी चैप्टर हो उसमें से आप बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ के आए तो अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो nth टर्म फाइंड आउट करने से रिलेटेड है एपी सीरीज का। एपी सीरीज आपको गिवन हो सकती है, उसमें nth टर्म फाइंड आउट करना होगा, जिसका फार्मूला आपको पता है an = a + n - 1 d, इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है। एक सेकेंड है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म फॉर n एपी, इसमें ये भी फार्मूला बेस है, जिसमें Sn = आपका क्या होता है n/2 2a + n - 1 d। राइट, तो ये आपके सेकेंड टॉपिक का फार्मूला है। थर्ड टॉपिक आपका फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर फॉर n एपी, जो फार्मूला है an = Sn = n/2 n+1। राइट, तीनों टॉपिक तीनों फार्मूला बेस हैं,
और इजी है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी बुक से के जितने क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, मैं 100% की श्योरिटी देती हूँ कि आपका एपी का एक भी क्वेश्चन लीव नहीं होगा, राइट? क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके जो एपी सीरीज से क्वेश्चन आने थे वो आपके क्रॉस हो चुके हैं, वो नहीं आ रहे हैं, सीबीएसई ने हटा दिए। तो जब वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ट रहेगी। एनसीईआरटी अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली है, उसके सारे क्वेश्चन 2 और 3, मतलब मैं कहूँ 3 से 4 टाइम्स आपने बहुत अच्छे से उनको रिवाइज कर लिए हैं, तो आप 100% चैप्टर नंबर 5 के सारे जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, राइट? तो आज मैंने ये पार्ट 1 बनाया है, जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक बनाया है।